हाय, दिस इज उमाशंकर भारद्वाज फ्रॉम इंडो सफारी और ये एक्सपो 2020 जो दुबई में चल रहा है उसकी सीरीज़ है। इसके बहुत सारे वीडियोस बना के लेके आया हूँ मैं, और इस वीडियो में मैं आपको इंडोनेशिया का पवेलियन दिखाने वाला हूँ। वो कहाँ है, उसका कल्चर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय इट। उसमें अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इंडोनेशिया की पोजीशन क्या है, कहाँ पड़ता है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, रेड रेड जितना भी दिख रहा है ये पूरा इंडोनेशिया है। तो ये छोटे बड़े करीब 17,000 आइसलैंड्स हैं, मतलब 17,000 द्वीप हैं इसके अंदर, जिन सबको मिला के एक कंट्री इंडोनेशिया बनता है। और ये आपका इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में है, और बहुत सारे इसमें जैसे जावा है, सुमात्रा है, ऐसे बहुत सारे इसमें आइसलैंड्स हैं। और जकार्ता इसकी कैपिटल है। तो आई हैव विजिटेड इंडोनेशिया, एक्चुअली एक बार गया हुआ हूँ, और काफ़ी अच्छे लोग हैं। एक साइड में इसके ब्रुनेई भी इससे लगा हुआ है, और बड़ा लंबा लंबा आप समझ सकते हो कि 17,000 छोटे बड़े आइसलैंड्स को मिला के ये कंट्री बना है। तो मतलब 21वीं सदी के शुरुआत तक ये दुनिया का फोर्थ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री हुआ करता था। बाद में इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है। ये जकार्ता है और ये यहाँ की कैपिटल है। तो मैं जकार्ता ही एक्चुअली गया था। ऊपर जावा सी आपको दिखता है, और इसके सिंगापुर के बिल्कुल पास में है ये, और एक तरफ मलेशिया भी इसके पास में ही है। आप देख सकते हो इंडिया से ये लैंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सिंगापुर तक आप लैंड से जा सकते हो। नीचे ऑस्ट्रेलिया है, और ये साइड में जो है आप देख सकते हैं इसकी जो पोजीशन है इंडिया के नीचे है, श्रीलंका की साइड में थोड़ा। चलो अंदर चलते हैं, और काफी वेलकमिंग था। तो ये एंट्री है, इसमें ये जो छोटे छोटे आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे डॉट्स जो है कांच के अंदर, यहाँ जितने टाइप के स्टोन्स और जितने टाइप के मोती, जो भी खनिज पदार्थ उन्हें कह सकते हो आप समुद्र के अंदर या बाहर, वो जितने भी इसमें पाए जाते हैं, आप सोचिए कितने टाइप के हैं। ये सब जो है जितने भी डॉट्स हैं ये सब अलग अलग टाइप के इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी अच्छा कंट्री है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये मुस्लिम कंट्री है, और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे, आबादी के हिसाब से भी और मेरे ख्याल से एरिया के हिसाब से भी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है ये। लेकिन लोग यहाँ के एकदम से डिफरेंट हैं, और मेरा मानना है कि उन्होंने अपने रिलीजन और अपने कल्चर को, दोनों को सेपरेट रखा हुआ है। तो इन्होंने अपने कल्चर को बिल्कुल, चाहे इन्होंने रिलीजन चेंज कर दिया है, लेकिन इन्होंने अपने कल्चर को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, और बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इवन मुस्लिम कंट्री होने के बाद, मैं तो इस कंट्री में गया हूँ, तो मैंने देखा है कि आपको किसी भी मॉल के बाहर कहीं भी आपको गणेश जी की मूर्ति आपको लगी हुई मिल जाएगी, बहुत सुंदर। देखिए कितना अच्छा कल्चर है इन लोगों का। और यहाँ की करेंसी पे भी मतलब देवी देवताओं की मूर्ति ये लोग लगाते हैं। तो ये देखिए पीकॉक, कितनी सुंदर प्रतिमा बना के रखी हुई है पीकॉक की। और ये पवेलियन में आप देखेंगे कि ये कल्चर कितना, और बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और डेफिनेटली इंडियंस का बहुत रेस्पेक्ट है इस कंट्री में। और यहाँ लोग रामलीला करते हैं, और राम को बहुत अच्छे से अपना पूर्वज मानते हैं, वो भगवान राम को। और सब कुछ यहाँ सी फूड काफ़ी
मात्रा में पाया जाता है। और आप देख सकते हैं कितना काफी सुंदर बनाया है और काफी अच्छी एग्रीकल्चर है यहाँ पे, और मैं कहूँगा बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत ओपन कंट्री है। और कहीं से भी उस कंट्री के अंदर जाके कोई हिपोक्रेसी या कुछ इस टाइप की चीज नहीं दिखेगी, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये पवेलियन काफी बड़ा है और दिस गाय इज ग्रीटिंग, तो ये वेलकम कर रहा है। तो हमारा जो पुराना कल्चर था उसको ये लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इंडिया का और इंडोनेशिया का जो कल्चर है वो बिल्कुल सेम है, डिस्पाइट ऑफ के हिंदूज वहाँ पे बहुत कम हैं, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जो वहाँ के मुस्लिम भी हैं वो भी बहुत फॉलो करते हैं भगवान राम को और पूरी रामायण में बिलीव करते हैं। हिंदू देवी देवता वहाँ हर जगह वो लोग लगा के रखते हैं। तो जैसे मैंने कुछ लोगों से बात भी की थी तो उनका मानना वही है कि रिलीजन एंड कल्चर दिस इज टोटली टू थिंग्स। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से इंडिया में भी लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा, स्पेशली जो लोग सूर्य नमस्कार को भी जो है वो पता नहीं क्या बोलते हैं। एनीवेज आई एम नॉट रिलीजियस स्कॉलर, बट जो नोटिस करते हैं वो ही आपके सामने मैं बोल रहा हूँ जो मैंने वहाँ नोटिस किया। और देखिए कितनी अच्छी ड्रेसिंग है, ये लड़की ने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और काफ़ी मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ है इन लोगों ने। आई थिंक ये मैं टॉप फ्लोर पे आ गया हूँ घूमते घूमते। ये देखिए मृदंग, ढोलक, म्यूजिक, सब कुछ बिल्कुल सेम एज इंडिया है। इवन जकार्ता में आप जाओगे तो साफ सुथरा मुंबई जैसा ही लगता है वो, लेकिन काफ़ी कंपेयर टू मुंबई काफ़ी क्लीन सिटी है। ये इनके सब क्या क्या वहाँ बनाया जाता है, ये सब हैंडमेड हैं। ये देखिए कितना अच्छा गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, सब हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो इंडोनेशिया में बनाए जाते हैं। अरे वाह, ये घोड़ा गाड़ी बना के उसके ऊपर शॉप बना दिया है इन्होंने, घोड़ा भी लकड़ी का है। देखिए काफी मतलब कपड़े भी और काफी हर चीज ये लकड़ी के सारे आइटम्स हैं और बहुत ही खूबसूरती से सजाया है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो इस टाइप का जो पवेलियन होता है इसमें बहुत सारी चीजें देखने को होती है, तो अच्छा भी लगता है मतलब आप अंदर जाते हो। कुछ पवेलियन है जहाँ पे सिर्फ उन्होंने प्रेजेंटेशन लगा के रख दिया है, बहुत ज़्यादा आइटम नहीं होते। और बाकी यूके वाला भी थोड़ी देर पहले देखा था मैंने, वो तो अलग ही था, बस इतनी मेहनत करके ऊपर चढ़ो, ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंडोनेशिया में लोग, क्योंकि आप समझ सकते हैं 17,000 आयरलैंड हैं, छोटे छोटे टापू हैं जिन सबको मिला के इस कंट्री को बनाया है, तो कितने टाइप के कल्चर होंगे और
काफ़ी खूबसूरत है और डेफिनेटली मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये देख के। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन की बेल भी बजा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।